अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महाकुम, आपने त्रिशाला को देखा? त्रिशाला का रो रो के बहुत बुरा हाल है बेटा। जिस तरह वो विधि ने धोखे से आपको अपने हाथ से खाना खिलाया ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब देखकर त्रिशाला के मन को बहुत ठेस पहुंची है। वो तब से बस रोए जा रही है। हमसे तो उनका ये हाल नहीं देखा जाता। महाकुम, त्रिशाला की इस हालत के जिम्मेदार हम ही है, लेकिन अब उस धोखेबाज लड़की के जाल में हम और नहीं फंसने वाले। हम अभी जाके त्रिशाला को सब कुछ बता देते हैं और उन्हें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं प्लीज अबीर, आप मत जाइए। त्रिशाला आपसे थोड़ी ना गुस्सा है, वो तो उस विधि से गुस्सा है। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती वो। एक काम करते हैं, हम और वसुंधरा जी उनका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप विधि को नीचे मत आने दीजिए। किसी भी काम में उलझा कर उसे ऊपर कमरे में ही रखिए। कुछ देर तक त्रिशाला उन्हें नहीं देखेंगी, अपने आप ही उनका मूड ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएंगी। ठीक है माँ को, जैसा आप कहें, लेकिन वो लड़की विधि हर बार अपनी चालाकी से त्रिशाला का दिल दुखाती है। अब और नहीं माँ को, अब हम और नहीं सहेंगे। अब हमारी बारी है, अभी बताते हैं उसे। थैंक यू अबीर बेटा। अब जब तक आप उस विधि को बिजी रखेंगे ना, तब तक हम सिरगुट्ठी की रस्म अपनी असली बहू यानी कि त्रिशाला के साथ कर लेंगे। कहाँ जा रही हो? वो मारे को नीचे। अभी कहीं नहीं जाना, कोई जरूरी काम नहीं है। पहले हमारा काम करो, ये जो तस्वीरें हैं उसे उस दीवार पर लगाओ। वहाँ वो टूल बॉक्स पड़ा है, और वहाँ से हथौड़ी और कील निकालो। पना साल, लेकिन वो मारे को सरगुटी की रस्म के लिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना वो रस्म वैसे ही नहीं होने वाली। तो इसलिए पहले हमारा काम करो, फिर करना जो करना, जहाँ जाना है वहाँ जाना। लगता है भूकंप सा मारे को ऐसे ना जाने देंगे। पहले इनका काम कर लेती हूँ, फिर नीचे चली जाऊंगी। क्या सोच रही हो? हथौड़ी निकालो और फ्रेम लगाओ। कौन है? कौन है यहाँ? हमने पूछा कौन है यहाँ? ओह नो, दादा साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। देखिए, आप जो कोई भी है, हमने आपकी आवाज सुनी है। बेहतर होगा कि आप सामने आ जाए। अरे दादा साहब, किसे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कोई है? नहीं नहीं, वो बिल्ली थी। अरे आपके दहाड़ने के बाद वो भाग चुकी है। बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? ये नौकर लोग बिना कुछ भी ध्यान नहीं देते। आप कहीं जा रहे, मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। आइए। ओह माय गॉड, छोटे कुंवर साहब, थैंक यू, आपने एक बार फिर से हमारी जान बचा ली। अरे आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? आपकी मदद के लिए तो बंदा हमेशा हाजिर है। वैसे आप अकेले यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही? हम जब भी टेंशन में होते हैं और समझ नहीं आता कि हम इस टेंशन का करें तो क्या करें, हम अकेले बैठ के चॉकलेट्स खाते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी? जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसे कंधे की जरूरत होती है, और आप यहाँ चॉकलेट के सहारे। सच कहें तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कोर्सा, अगर त्रिशाला के डैड हमारे साथ होते, या फिर अगर हमने दूसरी शादी ही क्यों ना कर ली होती, तो हमारे पास भी एक कंधा जरूर होता। प्रभा जोशी, हम भी जानते हैं, आप सब देखते जाइए कि जिंदगी कैसी मोड़ लेती है। लाइए अपना हाथ दिखाइए। ये रेखाएं देख रही हैं आप? इसका मतलब जानती हैं? क्या है? इसका मतलब है कि आपकी दूसरी शादी बहुत सफल रहेगी। सच में? शॉर्ट रखा सच। अरे ये देखिए, इसमें तो आपके होने वाले पति का नाम भी लिखा हुआ है, उसका पहला अक्षर। आप बिना छोटे कुंवर साहब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरी बात का विश्वास? मेरे पिताजी, मेरे डैड का नाम है, वो बहुत बड़े ज्योतिषी, आपको उनसे मिलना चाहिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे। जी? वो अंदर ही होंगे। ओके,
चॉकलेट? नहीं। वसु आंटी, आप देखती जाइए, आपकी और विश्वास की जोड़ी तो मैं बना कर रहूंगा। मेरी माँ आजाद हो जाएगी और मैं तोमर बन जाऊंगा। एक तीर से दो निशाने। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, नई बहू की सरगुथी की रस्म शुरू की जाए। इस रस्म में नई बहू अपनी सास के पास बैठकर बड़े प्यार और जतन के साथ श्रृंगार करती है। सुनैना बहू, श्रृंगार के लिए हमारे परिवार की पुश्तैनी चीजें ले आई हो ना? कंगा, शीशा, कुछ बोली तो नहीं? नहीं बाबा साहब, कुछ नहीं बोली, सब ले आए हैं। दुल्हन साहब, आइए रस्म के लिए बैठिए। विधि बहू अभी तक क्यों नहीं आई? बाबा को हम अभी लेकर आते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा हुकुम, हमारी बहू आ गई। चलिए बहू अगर आ गई है तो रस्म शुरू करिए। आओ बहू रानी, आके यहां बैठो। ये तो कमाल हो गया मम्मी साहब, आपने उस विधि को आने से रोका कैसे? हमने तो अभी से बस यही कहा था कि उस लड़की को नीचे ना आने दे। देखा हमारा काम कितनी आसानी से हो गया। चौंक क्यों गई? ठीक इसी तरह जब हम भी तुमको इस कमरे में देखते हैं ना, इसी तरीके से चौंक जाते हैं। कम से कम ये तस्वीर देख के त्रिशाला के साथ जो खूबसूरत पल बिताए हैं, उन्हें फिर से जिएंगे तो सही। बड़ी चौखी बात की आपने बन्ना सा, इसका मतलब अब हमारी जिंदगी में भी कम भूकंप होंगे। देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।